नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर। तो साथियों, आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। जो साथी हरियाणा पुलिस में नौकरी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। और PMT की जो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट की या फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, वो आयोग ने जारी कर दी है। इस वीडियो में बात करेंगे आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी। इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिस आपने देख लिया होगा, PMT है मेल कॉन्स्टेबल के लिए। PMT में सिर्फ मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, हाइट और चेस्ट रहेगी। जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर, रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर। अब वो डिजिटल जो आपकी मशीनें रहेंगी, कैसे क्या होगा, मैंने दिन में वीडियो बनाकर बताया था, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि भी 8 टाइम कैंडिडेट डिसाइड हुआ कि 8 टाइम कैंडिडेट को जो है PMT और PST के लिए बुलाया जाएगा। अभी 6 टाइम कैंडिडेट की लिस्ट ये ऑफिशियली साथ में अटैच्ड है इस नोटिस के साथ। 2 टाइम कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो बाद में पब्लिश की जाएगी अगर आयोग को इसमें ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में सिर्फ 4 टाइम कैंडिडेट को ही ये लेंगे। PMT में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा उसका फिर PST होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी। लॉन्ग जंप हाई जंप इसमें नहीं है। मेल कॉन्स्टेबल के लिए 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। अब PMT आपका जो होगा 16/7 से शुरू हो जाएगा ये, और 23 तक आपका ये PMT चलने वाला है। और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, जनरल के लिए 52.177 ये आपकी कट ऑफ रही। CET का ये स्कोर है, सबसे हाई कट ऑफ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ये कट ऑफ रही है। अब इसमें साथ में ना आपका शेड्यूल भी इन्होंने अटैच कर दिया कि कब से कब तक आपका ये PST जो PMT का पूरा प्रोसेस चलेगा। और साथ ही साथ इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनका जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है, उनके कुछ से कैंडिडेट के फॉर्म भी जो रिजेक्ट किए गए हैं। अभी शेड्यूल दिया हुआ है 16/7/2024 को, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से पहली शिफ्ट में इनका, दूसरी में इनका, तीसरी में इनका, चौथी में, एक दिन में 4 शिफ्ट रहेंगी। और ये कैंडिडेट जो हैं PMT के लिए बुलाए गए हैं। कुल मिलाकर 16 तारीख से लेकर, जैसा मैंने आपको बताया, 23 तारीख तक आपका जो है PMT का पूरा शेड्यूल चलने वाला है। उसके बाद PST होगा, जो दोनों में क्वालिफाई कर जाएंगे और उन कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम में बैठाया जाएगा प्रोपोर्शन टू 4 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। उसके बाद आपकी फाइनल जो है यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो जुलाई के महीने में PMT और PST कंडक्ट या पूरे कराने की पूरी यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से आयोग पर प्रेशर है, और ये पूरे किए जा सकते हैं 10 अगस्त से पहले इसमें, या 10 अगस्त तक आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी जो हरियाणा पुलिस का लिया जा सकता है। अगस्त के महीने में फाइनल रिजल्ट भी इसमें जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है पूरी हरियाणा पुलिस की भर्ती से जुड़ा हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब आपको लेकर क्या जाना है PMT में, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ, सिर्फ 2 ही चीज़ें इसमें आपको लेके जाने हैं।